सवारी इतना है कपी के आ रहे हैं, कचौड़ी रास्ता करके आ रहे हैं, भूखे थोड़ी मरे हैं अंडिया खा कर। यही नहीं, अभी और सुनिए, हम तमाम घाटे थे इसलिए वो भाग गई है। वो तो कमी तुम में ही है, कमी हम में ही है। कौन है, कहां से आते हैं? हमें एक छोटा सा बच्चा मिला है, इसकी प्रॉब्लम और इसकी दिक्कत और इसकी परेशानी और इसका घर और इसका परिवार और इसकी अम्मी और इसकी बहन और सब कुछ पूछते हैं, इससे इससे मुलाकात करते हैं। कंट्रोल उन्हें तो मिल जाएगा कोई सलमान खान, तो हम भोसड़ी के विलन बन जा रहा उनकी यादों में। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। तो भाई खड़े हुए मिले, ये आगरा जा रहे हैं और इनकी बस खड़ी है, बहुत बड़ी बस है और इन्हें कोई सवारी नहीं मिल रही है, काफी टाइम से यहाँ पे खड़े हैं। तो हम इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कितनी देर से खड़े हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। बताओ क्या कहना चाहोगे, पब्लिक से कुछ कहना चाहोगे? भैया यहाँ सवारी इतना है और करीब कहाँ जाती है, ठाड़े ठाड़े दो घंटा है। दो घंटा हो गए भाई साहब, कोई समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, सवारी नहीं मिल रही है और इन्हें आगरा जाना है। कितने बजे घर से आए? रात तक पहुंचना है, 5 बजे के निकले सुबह, घर से 5 बजे निकले और अभी तक फिरोजाबाद में ही है, फिरोजाबाद से कहीं आगे नहीं गए, इसलिए बस बिल्कुल खाली पड़ी है, बस दिखाओ अंदर तक कोई नहीं है बस में, कोई सवारी नहीं मिल रही है, बताओ क्या करे। हमारे प्रधान जी कंडक्टर साहब ये भी परेशान है, कंडक्टर साहब आ गए, कंडक्टर साहब भी बहुत ज्यादा परेशान है, गर्मी में परेशान हो रखे हैं, कभी कुछ अभी क्या सवारी इतना है कभी के आ रहे हैं, कचौड़ी रास्ता करके आ रहे हैं, भूखे थोड़ी मरे हैं अंडिया खा कर। पाजी बदल लिया साला, नाश्ता करके आ रहे हैं, कह रहे हैं भूखे दूर मरेंगे, 5 बजे से घर से निकले, सवारी नहीं मिल रही है। 5 बजे, 4:30 बजे के, 4 बजे के, तो 4 बजे आए, ऐसी खाली हाथ घर में जा भी नहीं सकते, कुछ ना कुछ लेके तो जाओगे, इतना सवारी क्या करेंगे, यानी ढोल रहे घूम रहे हैं। दो साड़ी हो गई है, एक लुगाई ने ढका रहा, एक लुगाई ने ढका, कैसी अपमान जनक बातें कर रहा लोटा, ये श्लील है ये लोना। मुझे कब हुई थी दो शादी? ये जो हो गया मुझे अगस्त में, दोनों बीवी साथ में है? दोनों साथ में नहीं है, अलग अलग हुए। कितनी अलग अलग है? वो है नहीं, पटना बिहार है, हम फिरोजाबाद में है, साथ में एक आध रहती है, नहीं रहती साथ में, एक नहीं रहती, दोनों अलग रहती हैं। तम हम तमाम घाटे थे इसलिए भाग गई है वो। तो कमी तुम में ही है फिर? हाँ कमी हम में ही है, जब भी भाग गई है दोनों। तीसरी करने का कह रहा था, तीसरी करने का है, हाल कर लेंगे हाल। क्या बोला तूने, तीसरी करने का कोई इरादा है या नहीं? हाँ है, कोई ब्यारन दिलवा दे कर लोगे? हाँ हाँ चलेगी, चलेगी बिल्कुल, ये बात है। हाँ चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो तेरे मुंह खोलने की? इनके कितने रुपए कमाते हो? 25,000 कमाते हैं। 25,000 रुपए? नगर निगम में जॉब है, 25,000 कमाते हैं। 25,000 रुपए कमाते हो दिन के? 25,000 दिन के? 25,000 तेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? रात को वो सुबह 9 बजे आता हूँ, 9:30 बजे और संजय छुट्टी हो जाती है, 8 बजे देने के 25,000। हाँ भैया एक दिन के नहीं, गांधी पारा कब से आ रहा है? गांधी पारा ये 2-3 दिन हो गए। मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? मोबाइल? मोबाइल नहीं है। जो तुम्हारी वीडियो नेट पे जाएगी फिर कैसे देखोगे? नेट पे जाएगी, पक्की बात है, कैसे देखोगे फिर बताओ? टीवी से? टीवी? हाँ न्यूज, न्यूज चल रही है न्यूज। तो ये तुम्हारी न्यूज छपवा दें फिर? नहीं नहीं, ये छपवाएंगे कि एक आदमी ने दो बीवियों को दिया धोखा और अब इसे नहीं मिलेगा दोबारा मौका। हमें एक छोटा सा बच्चा मिला, इसकी प्रॉब्लम और इसकी दिक्कत और इसकी परेशानी और इसका घर और इसका परिवार और इसकी अम्मी और इसकी बहन और सब कुछ पूछते हैं, इससे इससे मुलाकात करते हैं। गाइस अब हम इससे बात करते हैं, उससे पूछते हैं कहाँ रहते हो? है नीचे बैठो, रोड से बोलो, पुल के नीचे रहता है गाइस, ये क्या परेशानी है, क्या चाहिए बताओ, है जोर से बोलो गाइस। देखो रे छोटा सा बच्चा है, कितनी उम्र होगी तुम खुद देख सकते हो, 8 से ज्यादा 10 साल, 8 से ज्यादा 6-7 साल का बच्चा होगा, सिर्फ कितने रुपए मांग रहा है, हम लोग रास्ते में जा रहे थे, हम लोग रोक के सिर्फ 2 रुपए मांग रहा है। तो अगर आपको ऐसा कोई रास्ते में बच्चे मिलते हैं तो उनको पैसे दे दिया करो, 1-2 रुपए में अगर वो खुश हो जाते हैं
तो एक दो रुपए दे दिया करो, कोई बड़ी बात नहीं है। ले गाइस, मैं आपको एक नजारा दिखाता हूँ यहाँ का, आप नजारा देख सकते हो। पूरी आदिवासियों की टीम बैठी है, सारी आदिवासियों की टीम है, तुम्हें तो दिखाई दे रही होगी। सब आदिवासी है, बंदर भी सुबह 6 बजे उठ जाते हैं सारे बंदर, कोई नहीं सो रहा है। बंदर के बच्चे, बंदर सब 6 बजे उठ चुके हैं, और तुम सब उठ चुके हैं, जानवर 25 सब उठ चुके हैं, पर तुम साले अभी तक सो रहे हो। तभी तो कहता हूँ अपनी अपनी बंदियों से बात मत किया करो। रात के 2-2, 3-3 बजे तक जगाती हैं, रात के 2-2, 3-3 बजे तक बात करती हैं, फिर उसके बाद में क्या होता है, खुद तो सोती सोती हैं, साथ में तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद करती हैं। उन्हें तो मिल जाएगा कोई सलमान खान, तुम भोसड़ी के विलन बन जा रहे हो उनकी यादों में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, तुम शक्ति का पूरा बन जा रहा हो उनकी यादों में। अरे खुद बताओ यार, एक दिन पैसे वाला लड़का आएगा, उनसे तो शादी करके ले जाएगा। एक लड़की के पीछे हजारों लड़के होते हैं अंकल जी, मैं ये कह रहा हूँ, एक लड़की के पीछे हजारों लड़के होते हैं। कुछ लड़के ऐसे होते हैं पूरी पूरी रात बात करते हैं, सुबह 6-7 बजे जॉगिंग के लिए उठते नहीं है, रात 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक सोते हैं। तो वो गलत है या नहीं है? बिल्कुल गलत है। तो उन लड़कों को क्या मैसेज देना चाहोगे? सुबह उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और घूमना चाहिए, उनको टहलना चाहिए, टहलना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। बहुत अच्छी बात है, इसमें तुम्हारा ही फायदा है, हमारा तो कुछ फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। तो इसलिए कह दो लड़कियों से बात करना बंद करें और अपने टाइम से सोए। अरे मुझे चक्कर आने लग गए, अब टाइम से सोए, अपनी सेहत का ध्यान रखें यार। तुम्हारी सेहत तो हजारों लड़की है, अब तुम्हारी सेहत